जलमऊ कस्बे के गंगा घाट पर 20 नवंबर से 24 नवंबर तक लगने वाले ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा मेले तैयारी को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री पुलिस अधीक्षक सुजात सिंह के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी निरीक्षण रहे। सर्वप्रथम डीएम मुराई बाग चौराहे पहुंचे। दुकान द्वारा सैकड़ों के चौराहे पर फैलाए गए अतिक्रमण के साथ ही डीएम काफी नाराज हुए। 2 किलोमीटर दूर तक रहकर कार्तिक पूर्णिमा का मेला ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा मेला गंगा नदी स्नान करने के पास ही आसपास के जिले और क्षेत्रों के साथ विभिन्न मंडलों के लोग 10 से 15 लाख के श्रद्धालु बैलगाड़ी और सरकारी बसें, दो पहिए और अन्य पहिए श्रद्धालु गंगा घाट पे आते जाते रहते हैं। नौ विहार से 7 ही घाटों को हकीकत कार्तिक पूर्णिमा मेला की तैयारी को लेकर डीएम एसएसपी के साथ ही एसडीएम एवं विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। घाटे पे हकीकत का परखने के लिए डीएम नगर पंचायत मोटर बोट के गंगा घाटों निरीक्षण किया है। इसके दौरान उन्होंने कहा कि स्नान घाटों के किनारे बेहतर सफाई किया जाए, प्रशासन की व्यवस्था भी की जाए, मेले में जगह जगह कैमरे की निगरानी में मेला को सम्पन्न करवाया जाए। आप देख सकते हैं प्राइम न्यूज चैनल के लिए रायबरेली से सिद्धार्थ वेदी की रिपोर्ट। ये सामने दिख रहा है ये वाला जी ये अभी फिलहाल शमशान घाट यही है ना? नहीं शमशान घाट साहब और थोड़ा अभी और उधर उसके बगल।